हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम। वेलकम टू पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फेनोमेनन। यार ये चैप्टर क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15 है, और लेट मी टेल यू कि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि चार्जेस एक दूसरे से दूर कब जाते हैं, रिपेल कब करते हैं, हमने पढ़ा कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था पार्ट वन के लास्ट में कि हम किसी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि ये रिफिल, इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से हम इसके चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट पर और उसे भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने रिफिल के चार्ज को ट्रांसफर किया था इस एल्युमिनियम की पट्टियों पर, तो ये एल्युमिनियम की पट्टियां दूर दूर हो गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एल्युमिनियम की जो पट्टियां है ना, इनके अंदर भी चार्जेस आ गए हैं, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। ध्यान से समझना इस वीडियो को यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप्स। अब देखो आपको करना क्या है यार, इस एक्टिविटी में हमने ऑलरेडी एक चीज देखी हुई थी कि इस एक्टिविटी में जब हम किसी चार्ज्ड रिफिल को किसी मेटल के पेपर क्लिप से टच कराते हैं तो इसका चार्ज इन एल्युमिनियम की पट्टियों पर ट्रांसफर हो जाता है, हमने ये देखा था। तब आपको करना क्या है, अब आपको इस रिफिल को हटाकर जब ये एल्युमिनियम की पट्टियां बिल्कुल चार्ज हो जाएं तो क्या करो, इस रिफिल को हटा दो और अपने हाथों से टच करो। आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तुम देखोगे कि ये जो एल्युमिनियम की पट्टियां हैं ये वापस उसी जगह पर आ जाएंगी जहां पर ये पहले थी। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। आप बार बार क्या करो, जैसे इस रिफिल को हमने चार्ज किया था, फिर इसके चार्ज को हमने एल्युमिनियम की पट्टियों पर ट्रांसफर किया था जिससे ये एल्युमिनियम की पट्टियां दूर हो गई थी, लेकिन फिर जब हमने हाथ से अपने टच किया तो ये जो चार्जेस है ये वापस ट्रांसफर हो गई और ये वापस अपने उसी पोजीशन पर आ गए जहां पर ये पहले थी। समझ गई ये प्रोसेस? ठीक है, तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि आप बार बार किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को उस मेटल के पेपर क्लिप से टच कराओ और जब एल्युमिनियम की पट्टियां चार्ज हो जाए तो अपने हाथों से टच करो। Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip. तुम हर बार ये देखोगे कि ये जो एल्युमिनियम की पट्टियां हैं, जैसे ही तुम अपने हाथ को यहां पर टच कराओगे ये एल्युमिनियम की पट्टियां वापस उसी जगह पर आ जाएंगी जहां पर ये पहले थी। ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? चलो मैं बताता हूं। The reason is that the foil strips lose charge to the earth थ्रू योर बॉडी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हमने रिफिल से टच कराया था तो इन एल्युमिनियम की पट्टियों के ऊपर कुछ चार्जेस आ गए थे, या निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज आ गया था। ठीक है, अब जब हमने इस रिफिल को हटा लिया, अब हमने जब अपने हाथों को टच कराया तो हमारा हाथ, हमारा जो हैंड है वो तो चार्ज है नहीं, तो क्या होगा? तो ये इन एल्युमिनियम की पट्टियों का जो चार्ज है वो वापस हमारे हैंड के थ्रू अर्थ में चला जाएगा जिससे इन एल्युमिनियम की पट्टियों में चार्ज खत्म हो जाएगा और ये वापस उसी जगह पर आ जाएंगी। आगे देखो क्या बताया गया है कि वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज्ड, और जब ये एल्युमिनियम की पट्टियां वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप्स हैं वो डिस्चार्ज हो गई हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और इसी प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस से हम किसी चार्ज को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफर करते हैं, जैसे देखो ये एल्युमिनियम की पट्टियां चार्ज थी तभी एक दूसरे से दूर थी, अब हमने अपने हैंड को टच कराया तो यहां का जो चार्ज था वो ट्रांसफर होके हमारे हैंड के थ्रू हमारे मुंह, गला, पेट, पैरों से होते हुए धरती के अंदर चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया, चार्जेस क्या हो गए? लूज हो गए। इस प्रोसेस को हम अर्थिंग का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज From a charged object to the earth. अगर किसी charged object से हम earth में charges को transfer करते हैं, इसी process को हम earthing का नाम देते हैं। I think आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि earthing is provided in buildings to protect us from electrical shocks due to any leakage of electrical current. यहाँ पर बहुत important point बताया गया है कि हमारे घरों में, हम अगर शहरों में रहते हैं तो हमारी buildings में ना
अर्थिंग की एक वायर लगाई जाती है। इसका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घरों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, टीवी जल जाती है, फैन जल जाता है, ठीक है। तो इस बढ़े हुए, इस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए अर्थिंग के वायर, अर्थिंग के तार लगाए जाते हैं हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में, ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब जले ना, और अगर लाइट तेज आ जाए तो हमें इलेक्ट्रिकल करंट भी ना लगे। इसीलिए अर्थिंग का यूज किया जाता है, समझ गए ना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अर्थिंग, तो आप ये लिखोगे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई इज अर्थिंग यूज्ड, तो आप ये वाला लिखोगे कि अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। समझ में आ गया, दो क्वेश्चन तैयार हो गए यहां पर। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 15.5, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। बिजलियों के कड़कने के पीछे क्या कहानी है, वो कहानी हम यहां पर समझेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। आज हम ये जानते हैं कि जब क्लाउड्स में, क्लाउड्स के बीच में हमने बताया था कि छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स होते हैं, और वो जब एक दूसरे से घिसते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाता है, जिससे जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और बिजलियां कड़कती हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने पार्ट वन में भी आपको समझाया था। आगे क्या है कि यू लर्नड इन क्लास सेवेंथ दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म। आपने क्लास सेवेंथ में ये पढ़ा है कि जब बिजलियां कड़कती हैं तो उसके पहले क्या होता है, बिजलियों कड़कने के पहले क्या होता है आसमान में जिससे बिजलियां कड़कती हैं, वो पहले समझते हैं। क्या होता है कि द एयर करेंट्स मूव अपवर्ड while the water droplets move downwards। क्या होता है कि जब हमारे ग्राउंड पर पड़ा हुआ जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो एयर करेंट्स के फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, ऊपर आसमान में जाके क्लाउड्स बना लेता है, और क्लाउड्स से वापस जब ये वाटर वेपर आता है तो ये पानी बारिश के बूंदों के फॉर्म में नीचे आता है, जिससे हम कहते हैं कि भाई बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। दीज विगोरस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब इतनी ज्यादा वाटर वेपर धरती से क्लाउड पर जाता है और क्लाउड में इतनी ज्यादा मात्रा में पानी नीचे आता है कि इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बाई ए प्रोसेस नॉट एट कंप्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस ऑफ क्लाउड्स। समझ गए, और यही रीजन होता है, मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसेस होता है इनके बीच में जो आज तक किसी ने पता नहीं लगाया है। इन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बादलों के ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो बादलों के नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। अब जब क्लाउड के नीचे निगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए हैं तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से ग्राउंड पर पॉजिटिव चार्जेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस इस निगेटिव से मिलना चाहते हैं लेकिन एयर के वजह से ये मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जब कभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे ग्राउंड पर बिजलियां गिर जाती हैं। हमने सुना होगा कि हमारे घरों में बिजली गिर गई है, यहां पर बिजली गई है, तो वो कैसे होता है? जो बादल में निगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज से जब मिलता है तो भाई हमारे यहां पर बिजलियां गिर जाती हैं। कभी कभी इंसान के ऊपर भी बिजली गिर जाती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यहां से लेके यहां तक हमने हाईलाइट किया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई लाइटनिंग हैपेंस, मतलब लाइटनिंग का पूरा प्रोसेस बताओ कि बिजलियां क्यों कड़कती हैं, तो आप केवल यहां से यहां तक लिख दोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान से पढ़ते हैं। When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. समझ गए क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है वही जो हमने अभी आपको बताया, जब इन चार्जेस की मात्रा, जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस है, अगर यहां पर और भी पॉजिटिव चार्जेस आ गए, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और यहां पर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस आ गए, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिल
मिल जाएगा जिससे हमें आसमान में बिजलियां कड़कते हुए दिखाई देती हैं, समझ गए। और अगर ये वाला निगेटिव चार्ज ये आसमान में पड़े पॉजिटिव चार्ज से मिलता है, कैसे मिलेगा, ये एयर है, एयर तो भाई पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं तब ये एयर इन दोनों को मिलने से रोक नहीं पाता, और अगर ये पॉजिटिव निगेटिव से मिल गया तो भाई धरती पर लाइटनिंग होती है, बिजली गिर जाती है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर गई तो बिल्डिंग भी टूट सकती है, समझ गए। तो यहां से लेके यहां तक केवल यही है कि जब इन चार्जेस की मात्रा क्लाउड्स में और अर्थ में ज्यादा हो जाती है तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं जिससे बिजलियां कड़क जाती हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रकाश और बहुत ज्यादा धड़ाम की आवाज आती है, ठीक है। वी सी स्ट्रीक्स एस लाइटनिंग, इस चमक को, ये जो आसमान में चमक होता है इस चमक को हम बिजलियों का कड़कना कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक जो ये क्लाउड चार्ज था पॉजिटिव से निगेटिव से और ये ग्राउंड चार्ज था पॉजिटिव चार्जेस से, अब ये तीनों एक दूसरे से तीसरे से मिल चुके हैं जिससे ये क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, इसी के लिए इस प्रोसेस का नाम हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का नाम हम देते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब बस इतना जान के चलो, अगर बिजलियां कड़क गई, अगर बिजली हमें आसमान में दिख गई, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है एक दूसरे से अगर मिल गए तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस है, अगर ये अपर क्लाउड इस निगेटिव वाले लोअर क्लाउड से मिलता है तो ये हो गया आसमान में बिजलियां कड़कना, ठीक है, और अगर ये लोअर क्लाउड का निगेटिव चार्ज ग्राउंड पर पड़े पॉजिटिव चार्ज से मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ पे बिजलियां कड़क रही हैं, ठीक है। तो यहां पर यही कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस है वो दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है या क्लाउड और अर्थ, जैसे क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं कि टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड, आज हमें ना इस बिजलियों के कड़कने से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे पूर्वज, जैसे हमारे एंसेस्टर्स डरते थे ना, उन्हें लगता था कि भगवान उनसे गुस्सा है इसलिए बिजलियां कड़क रही है, लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेनन, यार अब हम स्मार्ट हो गए हैं, अब हमें पता है कि बिजलियां क्यों कड़कती हैं, और इसी के लिए साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, इस बिजलियों के कड़कने के प्रोसेस को हम और अच्छे से समझ पाए, इसलिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये इस पर काफी रिसर्च कर रहे हैं ताकि इस लाइटनिंग के प्रोसेस को ना और अच्छे से समझाया जा सके। हमें हो सकता है कि आने वाले क्लासेस में इस प्रोसेस को ना और डिटेल में बताया जाए, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं कि ये जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, अगर बिजलियां कहीं गिरती हैं या अगर कहीं बिजलियां कड़कती हैं तो ये इंसान की जान भी ले सकती है, या कभी कभी जो हमारे द्वारा बनाई गई जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, बिल्डिंग्स, अगर उनके ऊपर बिजलियां गिर गई तो उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे गाँव में ना यार एक चिमनी थी, ईंटे की चिमनी थी, हमने बचपन में देखा था कि उसमें बिजली गिर गई थी, भाई आधा आधा हो गया था वो, समझ गए, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि आधा आधा अलग हो गया हो, बस टूट गया था वो, क्रैक हो गया था बिजलियों की गिरने की वजह से। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ्स, और इसी के लिए बिजलियों के कड़कने से हमें बचने की जरूरत है, हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स, हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जिससे हम हमारे ऊपर बिजलियां ना गिरे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 15.6, लाइटनिंग सेफ्टी, जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो ना तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो या जब कभी भी तूफान आया हो, बादल एकदम गरज रहे हो ना, तो किसी भी खुले स्थान पर रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। पॉइंट नंबर वन, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, जब कभी भी आप बिजलियों के कड़कने की आवाज सुने ना, इसका मतलब यह है कि भगवान आपको अलर्ट कर रहे हैं कि जल्दी से भागो, किसी सुरक्षित स्थान पर जल्दी से भागो, ठीक है। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safer place. आप जब भी बिजलियां एकदम बारिश खत्म हो जाए, एकदम बिजलियों का कड़कना बंद हो जाए ना, उसके बाद थोड़े समय तक इंतजार करो,
तभी घर से बाहर निकलो, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा सुरक्षित होगा। चलो आगे चलते हैं कि फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अब जब बिजलियां कड़क रही हो, अब आप कभी बाहर हो, तो आप कैसे सुरक्षित जगह ढूंढोगे, इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। अगर आप घर में हो या बिल्डिंग में हो तो वो ऑलरेडी सुरक्षित जगह है, वहां से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाई अ कार और बाई बस, यू आर सेफ इन साइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अब आप कभी किसी कार से जा रहे हो और बिजलियां कड़क रही हैं, या किसी बस से जा रहे हो बिजलियां कड़क रही हैं, तूफान आया हुआ है ना, तो आप अंदर एकदम सुरक्षित हो, बस ध्यान रहे कि जो विंडोज है ना वो बंद रहे, दरवाजा बंद रहे गाड़ी का, आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि डूज एंड डॉन्ट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब कभी भी तूफान आए, जब कभी भी बिजलियां कड़के ना, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं कि आउटसाइड, जब कभी भी हम बाहर रहें तब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बिजलियों के कड़कने के टाइम, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो आउटसाइड, जब कभी भी हम बाहर हों तो जो ओपन व्हीकल्स हैं, जो खुली हुई गाड़ियां हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गई, ट्रैक्टर हो गया, और कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, जो रोड रोड बनाने के लिए रोड रोलर्स का यूज होता है ना, और जो ओपन कार्स हो गई, ऐसी कार्स जिनकी छतें नहीं होती, जैसे आजकल मर्सिडीज, फरारी, बीएमडब्ल्यू में ना ओपन रूफ वाला सिस्टम आ गया है, उनके गाड़ियों के ऊपर जो रूफ होता है वो नहीं होता, तो ऐसी खुली हुई गाड़ियां बिजलियों के कड़कने के टाइम आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों में बिजलियां गिर सकती हैं, ठीक है। इनके अलावा आप अगर किसी खुले मैदान में हो, या किसी लंबे पेड़ के नीचे हो, या आप किसी पार्क में हो, किसी ऊंचाई वाले स्थान पर हो, तो डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। इन जगहों पर रहने से हम बिजलियों के झटकों से बच नहीं जाएंगे, इन जगहों पर भी हमारे ऊपर बिजलियां गिर सकती हैं, समझ गए। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। लड़कियां होती है ना भाई, बारिश हो या धूप हो, अम्ब्रेला लेके निकल जाएंगी, तो यार जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो ना, तो अम्ब्रेला लेके बाहर निकलना सेफ नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला हमें बिजलियों के कड़कने से नहीं बचाएगा, केवल बारिश की बूंदों से बचाएगा, समझ गए। इफ इन फॉरेस्ट, अब अगर आप किसी जंगल में फंस गए हो और अगर बिजलियां कड़क रही हैं, तो टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस दूर तक फैली हुई है, जो छायादार पेड़ हैं, उनके नीचे रहो, वो आपको कुछ हद तक बिजलियों के झटकों से बचाएंगी, ठीक है। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अब आपके पास कोई भी छुपने की जगह नहीं है और बिजलियां कड़क रही हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, आप स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, किसी भी पेड़ के नीचे खड़े मत हो, ठीक है, सबसे दूर किसी एकदम खुले स्थान पर जाकर खड़े हो, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, कोई बिजली का खंबा हो गया, या कोई लोहा एल्युमिनियम की कोई चीज आपके अगल बगल है, चाहे खंबा ही हो गया, चाहे गेट हो गया किसी घर का, ठीक है, तो ऐसी जगहों के आसपास भी आप खड़े ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजलियां ना लोहा हो, एल्युमिनियम हो, बिजली के खंबे हो, इन सब पे जरूर गिर सकती है, क्यों, क्योंकि भाई इनमें तो ऑलरेडी ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, और जो आसमान की बिजली इन जमीन की बिजलियों से मिलेंगी ना, तो इन्हीं जगहों पे गिरती हैं। Do not lie on the ground। आप अगर किसी खुले स्थान पर हो तो भाई ग्राउंड पर, जमीन पर सो मत जाना कि आप बच जाओगे, नीचे रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। Instead, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, squat low on the ground, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ। Squat low on the ground मतलब जमीन पर ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ। Place your hands on your knees, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख दो, with your head between the hands, आप अपने दोनों हाथों के बीच में अपने सर को ऐसे छुपा कर बैठ सकते हो। This position will make you the smallest target to be struck। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से आप एकदम से बच जाओगे, लेकिन बिजलियां गिरने के चांसेस आपके ऊपर कम रहेंगी, समझ गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इनसाइड द हाउस। अब हमने पढ़ा कि जब हम घर के बाहर रहेंगे तब हमें क्या करना चाहिए, अब हम जब घर के अंदर रहेंगे तब हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स। अगर बिजलियां कड़क रही हैं ना, तो जो टेलीफोन में वायर्स लगे होते हैं, पहले के जमाने में जो टेलीफोन्स होते थे लैंडलाइन वाले, ठीक है, तो उनमें वायर्स लगे होते थे, तो जो लाइटनिंग है, जो बिजलियां है ना, ऐसे टेलीफोन्स के ऊपर गिर सकती हैं जिनमें तार लगे हों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, हमारे घरों में तार होता है, या हमारे घरों के बाहर भी जो तार होता है उनके ऊपर भी बिजलियां गिर सकती हैं, चाहे कोई मेटल पाइप्स हो गया आपके घर के अंदर, जो लोहे की
टैप टोटी हो गई या कोई भी लोहा एल्यूमिनियम सिल्वर की कोई भी चीज हो गई ना, इनसे दूर रहिए क्योंकि इन पर बिजलियां गिर सकती हैं। क्यों गिर सकती हैं? डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोसेस है और नीचे हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोसेस है। भाई तार में बिजली चल रही है, आसमान की बिजली वायर्स हमारे घरों में पड़े वायर्स पर गिर सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हमारे घरों में बह रहे निगेटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होकर हमारे घर पर ही गिर जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो तो कोई ऐसा टेलीफोन जिनमें वायर्स लगे हों और हमारे घरों में जो वायर्स लगे होते हैं, या कोई लोहा एल्यूमिनियम या सिल्वर की चीज रखी हुई है, कोई पाइप है, तो इन चीजों से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि हमें इनसे बचना है, इन पर बिजलियां गिर सकती हैं। ठीक है, इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। हाँ, एक बात आप कर सकते हो कि जब बिजलियां कड़क रही हो तो आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो या कोई ऐसा फोन जिसमें वायर्स ना लगे हो, वायरलेस फोन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़ना कि या तो एक चीज तो एकदम क्लियर है कि हम अपने मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं जब कभी बिजलियां कड़क रही हो, लेकिन आप अपने मोबाइल फोन से भी बात कर रहे हो तो भी आपने जिसको भी फोन लगाया है, अगर वो किसी टेलीफोन से बात कर रहा है या किसी ऐसे फोन से बात कर रहा है जिसमें तार लगे होते हैं, तब आपके लिए सेफ नहीं है क्योंकि आपके ऊपर भी बिजलियां गिर सकती हैं और अगर वो भी खुले स्थान पर होगा तो उसके ऊपर भी बिजलियां गिर सकती हैं। समझिए, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। हम होते हैं ना भाई, जैसे ही बारिश होती है चलो बाहर नाचेंगे घूमेंगे गाएंगे, तो ऐसा करना बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है ना यार, उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है और जो सॉल्ट की मात्रा है, अगर किसी वाटर में सॉल्ट की मात्रा है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। हमने इसके पीछे वाले चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि जो रनिंग वाटर होता है, जो टैप का वाटर होता है, हमारी टोटी में जो पानी आता है, इन पर बिजलियां गिर सकती हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ गए, इसी के लिए यहां पर कहा गया है कि जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो तो आपको नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने वाले पानी में बिजलियां उतर सकती हैं। चलो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स टीवीज एसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। कोई भी विद्युतीय चीज हो गया, जैसे कि आपकी कंप्यूटर हो गई जो बिजलियों से चलती है, आपकी टीवी हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इन सबके प्लग आप निकाल के रख दो। जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो तो कंप्यूटर का टीवी का प्लग निकाल दो, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। जो आपके घर में बल्ब लगे होते हैं उनको खुला रहने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइटनिंग कंडक्टर्स। ये क्या होता है भैया? यार ये बस इतना समझ लो, ये एक ऐसी धमाकेदार डिवाइस है ना जो हमारे घरों को, जो हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर बिजलियों को गिरने नहीं देता है। है ना मजेदार चीज? चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, जो हमारे घरों को हमारे बिल्डिंग्स को बचाने के लिए यूज होता है। किससे बचाने के लिए? लाइटनिंग से। अगर हमारे घरों पे बिजलियां गिरती हैं तो अगर हमारे घर में लाइटनिंग कंडक्टर लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर कैसे काम करता है। अ मेटालिक रॉड, एक लोहे की रॉड होती है, taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. जब बिल्डिंग बनाया जाता है ना, तो बिल्डिंग के बीच में एक मेटालिक रॉड, एक लोहे की लंबी रॉड, इसकी लंबाई इतनी होती है कि ये बिल्डिंग से भी ऊंचा होता है, इतनी लंबी रॉड इस बिल्डिंग की दीवालों के बीच से होते हुए इस जमीन के अंदर तक दफनाया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो यहां पर लिखा गया है कि वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर। इस लोहे के रॉड का जो एक सिरा है ये तो हवा में रहेगा, ये ओपन रहेगा, और जो दूसरा सिरा है एंड द अदर इज ब्यूरीड डीप इन द ग्राउंड, और जो इस लोहे के रॉड का जो दूसरा एंड है ना, वो धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू द ग्राउंड। देखो अब अगर आसमान की बिजलियां, देखो हमेशा हम जानते हैं कि जो कोई भी लाइटनिंग हो गई, कोई भी बिजलियां हो गई, वो किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट, किसी गुड कंडक्टर पर ही गिरेगा। अब ये लोहा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जब आसमान की बिजली इस लोहे के ऊपर गिरेगी ना तो क्या होगा, ये लोहा तुरंत आसमान की बिजलियों को ट्रांसफर कर देगा घर से होते हुए जमीन के अंदर।
जिससे क्या होगा, आसमान की बिजली डिस्चार्ज हो जाएगी, हमारे घर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये असली काम होता है इस लाइटनिंग कंडक्टर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। जो हमारे घर, अगर हमारा घर बन रहा है ना, तो आपने देखा होगा छड़ का यूज होता है घरों में, और इसके बाद जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स जो तार लगे होते हैं या जो पानी को ट्रांसफर करने के लिए जो पाइप लगी होती है लोहे का ना, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, लाइटनिंग से बचाती हैं किसी ना किसी हद तक। ये क्या करती हैं, ये सारी चीजें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो जैसे ही आसमान की बिजली गिरती है ना, तो ये सारी चीजें अपने ऊपर ले लेती हैं, इसलिए हमारे बिल्डिंग्स को हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ध्यान रहे, डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब कभी भी तूफान आए, जब कभी भी बिजलियां कड़क रही हो, तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई और जो पानी की पाइप लगाई जाती है हमारी बिल्डिंग्स में, ये सारी चीजें हमें इस लाइटनिंग, इस बिजलियों के कड़कने से बचाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी बिजलियां कड़क रही हो, तो आप इन चीजों को ना छुएं। ठीक है, हमने आपको भी पहले भी पढ़ाया। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अर्थक्वेक। यार भूकंप का आना, भाई भूकंप तो वैसे आता ही रहता है, पहले ये जान लो कि क्यों आता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज 15.7 अर्थक्वेक। हम इस टॉपिक में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक क्यों आता है, हम कैसे भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तुमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि तूफान कैसे आता है, हम कैसे तूफान से बच सकते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यार बिजलियां जब कड़कती हैं तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। तुमने क्लास 7th में ना चक्रवात, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो समुद्रों के बीच में ऐसे गोल 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 चक्रवात आता है। फिर क्या होता है, फिर वो जो चक्रवात है, जैसे साइक्लोन आया था वहां पर, कहां पे यार, कहीं तो जगह का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दीज नेचुरल फिनोमेनन कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये जो नेचुरल फिनोमेनन है, चाहे अर्थक्वेक हो गया, चाहे लाइटनिंग हो गई, चाहे साइक्लोन्स हो गया ना, ये इंसान के जीवन को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ साथ जो हमारे द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारा घर, स्कूल, बिल्डिंग, इन सबको भी तोड़ सकता है। इतने पावरफुल होते हैं ये नेचुरल फिनोमेनन, चाहे वो भूकंप हो गया, चाहे वो बिजलियां कड़क रही है ना, ये सारी चीजें हमारी जान भी ले सकती हैं और हमारे द्वारा जो बनाई गई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे घर, बिल्डिंग, रोड, इन सबको तोड़ भी सकती है। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमेनन कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। लेकिन आज हम इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए ना कि हम इन आपदा को आने से पहले ही जान लेते हैं कि यार भूकंप आने वाला है। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। जो हमारे यहाँ मौसम विभाग होता है ना, हर देश में मौसम विभाग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वो हमें बताता है कि अगले एक हफ्ते तक बारिश होने वाली है यहाँ पर भूकंप आने वाला है 2-3 दिन में, यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं इन नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि इफ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकंपनिंग इट। जब कभी भी तूफान आता है ना, इसका मतलब ये है कि बिजलियां भी कड़कने वाली हैं और इसके साथ साथ साइक्लोन्स, चक्रवात भी आने वाला है। ये इंडिकेशन होता है, जब कभी भी तूफान आए ना, तो आप जान जाओ यार कि बिजलियां भी कड़केंगी इसके साथ और इसके साथ साथ चक्रवात भी आने वाला है। ठीक है, सो और इसी के लिए वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमेनन। और इसी के लिए जब हमें पता चल जाता है यार कि ये आने वाला है, 2-3 दिन में भूकंप आने वाला है, 2-3 दिन में बिजलियां कड़कने वाली हैं, बारिश होने वाला है, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं ताकि हम इन नेचुरल डिजास्टर्स से बच पाएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है कि देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेनन व्हिच वी आर नॉट एट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। लेकिन अब भी आज के जमाने में भी एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है या एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं, वो अचानक आ जाती है। वो कौन सी है? इट इज एन अर्थक्वेक। भूकंप एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है ना, जो आने से पहले हमें पता नहीं चलता है। आने से पहले आप कह सकते हो
आधे घंटे या 10-20 मिनट पहले हमें पता चलता है, तो भाई उसमें आप क्या कर ही सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर कि इट इज एन अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक है जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। अगर भूकंप आता है तो भूकंप आने से इंसान की जान भी जा सकती है, इसके साथ साथ घर वर, रोड, ब्रिज, ये सब तो टूटेंगे ही टूटेंगे। आपने देखा होगा जो गुजरात का भुज वाला इलाका है ना, भुज में हमेशा भूकंप आता रहता है और वहां के लोग लकड़ियों के घर में रहते हैं, क्योंकि भाई रोज रोज भूकंप आएगा तो रोज रोज थोड़ी ना घर बनवाएंगे वो लोग, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं कि अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब देखो आज तक हमारे भारत में ना दो बहुत ही बड़े लेवल पर भूकंप आए हैं। एक तो आया था 8 अक्टूबर 2005 को, ये कहां पर आया था, ये उरी। उरी कहां पर है, आपने देखा ना उरी मूवी भी बनी है भाई, URI उरी मूवी बनी है कि नहीं। उरी और तंगधर ये दोनों जिले हैं नॉर्थ कश्मीर में, वहां पर 8 अक्टूबर 2005 को बहुत बड़ा भूकंप आया था। और इसके पहले 26 जनवरी 2001 को जब सारा देश रिपब्लिक डे मना रहा था तो गुजरात के भुज इलाके में भूकंप आया था जिससे कई लोगों की जान गई थी और कई लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 15.5, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी caused by these earthquakes। अपने पापा से पूछो, आपको बताएंगे कि यार भूकंप आने से कितना नुकसान होता है। ये देख रहे हो, आपको एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग्स कैसे टूटी पड़ी हैं, ये सब किस वजह से हुआ है, भूकंप आने की वजह से हुआ है। आपको करना क्या है कि कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स showing the damage caused by these earthquakes from the newspaper and magazines of those days। अब देखो जब भी भूकंप आया था, जैसे ये 2001 में आया था ना 26 जनवरी को, आप उस दिन का न्यूज़पेपर उठाओ, कहां से मिलेगा उस दिन का न्यूज़पेपर, नेट पे सब कुछ मिल जाएगा, बस इतना डाल दो 26 जनवरी 2001 हिंदी न्यूज़पेपर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस समय जो भी पिक्चर न्यूज़पेपर में निकला था भूकंप का, उस पिक्चर को आपको काटना है, कलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग आफ्टर द अर्थक्वेक्स। और आपको उन लोगों के दुख दर्द के बारे में लिखना है जो लोग अर्थक्वेक आने की वजह से परेशान हो गए थे, जिन्हें काफी नुकसान सहना पड़ा था ना, उनके बारे में आपको एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है कि भूकंप आने से क्या क्या होता है और कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं। तो आई थिंक कर लोगे यार, इतना आसान है भाई, इतना भी ना कर पाओ तो यार प्रेम भैया तुम्हारे लिए है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, पहले ये जानो कि अर्थक्वेक क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स, जब अर्थक्वेक आता है तो होता क्या है, What can we do to minimize its effects? हम क्या कर सकते हैं ताकि हम भूकंप के झटकों से बच सकें? These are some of the questions which we shall discuss below. ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर हम नीचे देने वाले हैं। Okay, so this is all about the part 2 of this chapter. हमने lightning, बिजलियों के कड़कने का पूरा प्रोसेस समझ लिया है। अब हमने next topic अर्थक्वेक पढ़ना है। भाई अर्थक्वेक पढ़ना है तो एक नए पार्ट, एक नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और एहसान फरामोशी नहीं करना, अगर वीडियो देखे हो भाई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।